बस है, एगो BS6 गाड़ी है। ये गाड़ी का 10,000 किलोमीटर चला है और इसका स्टार्टिंग ट्रबल हो रहा है, तो इसको हम चेक करने के लिए अभी आया है। और दोस्त थोड़ा हम लोग का सब्सक्राइब और लाइक थोड़ा अच्छा सा दे देना दोस्त, हम जितना भी जानकारी है तो हम आपको पूरा दे देंगे। और टंकी में जो मेन पाइप है इसको खोल के हम चेक किया, पूरा तेल लाइन यहीं से सामना तक ये वाला मेन पाइप है, इसको पूरा खोल के तेल लाइन पूरा अच्छा से इसको एकदम पूरा चेक कर दिया है। और फिर इसके बाद ये वाला गाड़ी यदि आज रोक देंगे, कल को पूरा स्टार्ट मरने से स्टार्ट नहीं होता है, तो फिर इसको हम चेक कर लिया है, सब पूरा टोटल साफ सुथरा करके पूरा देख लिया है, अभी ऊपर जाएंगे। 6 मॉडल है, इंजेक्टर में जब यार जो रह जाएगा तो इसको सब ढीला करना पड़ता है। और लोग हम लोग को बहुत पुराना ड्राइवर है, और हम लोग जब बचपन में था ना वो इस दिन से हम इसको देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसा कर दिया है। फिर हमको इसका स्विच है, BS6 का स्विच देने से चाबी थोड़ा ना चाबी, ये BS6 का मीटर है, थोड़ा पास लेके ये BS6 का मीटर है, चाबी ऑन करने से ये वाला 2 सेकंड बाद में इसको स्टार्टिंग करना पड़ता है, तुरंत मारने से ये नहीं होगा। अभी हम लोग क्रैंकिंग करते हैं, देखिए थोड़ा अच्छा से क्रैंकिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ निकल रहा है, अभी निकल गया बस बस तो, अभी इसको यहाँ निकाल के अभी हम इंजेक्टर में इसको अभी हम फिर टाइट इसको अच्छा से कसना है, फिर इसके बाद अभी देखेंगे पूरा अच्छा से कसना चाहिए, फिर अभी इसको स्टार्ट मारेंगे, अभी मारेंगे स्टार्ट पंप क्या। ये BS6 वाला है, यार ब्रेक दिया है, अभी मारेंगे अभी देखिए ऐसा निकलना पड़ता है, ऐसे निकलना जरूरी है नहीं तो कभी कभी बैटरी डाउन हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर रहना पड़ता है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक मिस्त्री आया है उधर बाहर, और बैटरी मिस्त्री आया है, अभी इंजन मिस्त्री और बैटरी मिस्त्री दोनों